हेलो गाइस, आज अपन बनाएंगे एक डिज़ाइन जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस वन, इसमें मुझे बनाना है एक ये हार्ट और एक ये दिस शेप का। तो सबसे पहले मैं स्टोन साइज ले लेता हूँ 3 mm के हिसाब से। मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा। इसमें आ रहा है अपना, इसको मैंने पकड़ के स्केल करता हूँ ताकि 3 mm के आसपास ही आ जाए। ये आ रहा है। ओके, तो मैं इसको पकड़ के यहाँ पे जीरो पे ले आता हूँ। लाने के बाद में अब मैं इसको यहाँ से लॉक करता हूँ और ये शेप मैं यहाँ से इसको बना देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको देखता हूँ ये जीरो पे है कि नहीं है। बहुत सा है, ये जीरो पे है। अब मैं यहाँ से इस हार्ट शेप को बनाता हूँ। ओके, ये आ गया है यहाँ पे। और इसको मैं अभी यहाँ से मिरर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से जॉइन कर देता हूँ। अभी ये ओपन दिखा रहा है, ये ओपन यहाँ से है। तो मैं इसे यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से जॉइन करता हूँ। क्लोज हो चुका है। इसे मैं ऑफसेट मारता हूँ 0.7 0.55। ओके, ये मेरे पास में आ गया। अब मैं इसको एक्सट्रूड करके इस शेप में इसको बना लेता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ से ज्वेल करके इसको हाइड किया। इसे मैंने पकड़ के पर्सपेक्टिव में आता हूँ और इसे एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं 1.5 इनफ होगा। और इसे मैं यहाँ से साइड हाइड करके, और मुझे इसका कट थोड़ा सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। क्या है कि बनाओ तो फिर अच्छा ही बनाओ ना, कहीं को खराब बनाओ आप इसको। अब इसे मैं यहाँ से थोड़ा रिबिल्ड करके थोड़ा सा रिबल करके इसको मैं यहाँ से सही कर लेता हूँ और इसे मुझे यहाँ से मिरर करके यहाँ जो है नहीं है तो इसे F10 पकड़ा। इसे मैंने यूँ किया, इसको मैंने पॉइंट लिया और इसे यहाँ से यूँ करके दोनों को ट्रिम कर देते हैं। और अभी इसे मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। अभी भी ओपन दिखा रहा है, ये एक्सप्लोर करके इसको ट्रिम कर देते हैं अपन। तो आप ये देखिए, ये ज्वाइन हो चुका है। इसमें मैंने ऑल करके यहाँ से मैं हाइड किया, ऑफसेट किया 0.55 एंड आफ्टर डैट इसे पकड़ के मैंने इसी किया 1.5। और इसको मैं यहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ इस सरफेस को, और इसको मैं ऑफसेट सरफेस मारता हूँ 0.35 और इसे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डिलीट और इसे मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको फ्ले मार देता हूँ कि 0.2 इनफ होगा। इसे यहाँ से लिया, ये लिया लुक। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारे पास में यहाँ पे 3 ये पॉइंट है। ओके, तो मैं यहाँ से स्पेयर लेता हूँ दिस वन और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इतना ये इतना बढ़ाइए और इसे मैं यहाँ से अब मिरर मार देता हूँ। ओके, और यहाँ भी मुझे स्क्वायर बनाने हैं तो जिस साइज़ के ये हैं उस साइज़ के मैं इसके अंदर यहाँ पर स्क्वायर बना देता हूँ। मैं यहाँ जहाँ ये स्क्वायर आ रहे हैं
ओके इसे यहाँ से मैंने वाल करके हाइड किया, इसे मैंने यहाँ से इसको हाइड किया। फ्रंट व्यू में आता हूँ, इसको सेलेक्ट करके ओवरऑल जीरो एंटर दिस वन। ओके यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और बुलियन स्प्लिट करके सबको स्प्लिट कर देता हूँ। पर्सपेक्टिव व्यू में आके इन सबको मैं नीचे से सॉलिड कर देते हैं इनको। माइनस 0.8 से कर देते हैं और इसको यहाँ से ग्रुप ग्रुप ओके और इसे यहाँ से लेके यहाँ से मिरर और इसको इसको इस पूरे को यहाँ से ग्रुप कर देते हैं। ओके यहाँ से भी यहाँ से हाइड करके अभी देखेंगे ये अपने पास में ही बन चुका है। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, एंगल ओपन कर देते हैं यहाँ से। इधर हाइड करते हैं, इसी को हाइड करते हैं, इन्हें जी करके इसको 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 यहाँ से ग्रुप करते हैं, यहाँ से इनको ग्रुप करते हैं। एस डी नाउ गिराते हैं लुक कुछ ज़्यादा ही नीचे आ चुके हैं ये, इसको पकड़ते हैं ऊपर मूव कर देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर मूव कर देते हैं। नाउ जीरो के ठीक है, मैं इसको एच डी करता हूँ और मुझे बनाना है ये पोर्शन, तो मैंने एंटर कर लिया। ओके ओके पॉइंट यहाँ से मैंने ये लिया, मिरर और यहाँ से मैं इसको यहाँ से मेरा मार देता हूँ। राइट सर्कल मैंने लिया दोनों तरफ टेंजेंट के, यहाँ से इसको फ्रंट में आके मैंने इसे रोटेट कर दिया। पर्सपेक्टिव में आके कितने रंग का ये सर्किल है, 1.83। ओके एस डब्ल्यू स्वीप टू मेंटेन हाइट, गलत हो जाएगा ये। ओके ये कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक 3.23। ओके नॉट एन इशू, हमारे पास में बन चुका है। इसको मैंने यहाँ से कैप कर दिया है शेडेड पे। अब पहले रिबिल्ड कर देते हैं हम 15 पॉइंट से। ओके एस डब्ल्यू एंड कैप, मैं यहाँ से एस सी करके इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। एक्सट्रेट आइसो कर्व ये मैंने यहाँ से एक्सट्रेट आइसो कर दिया है और टॉगल करके मैंने यहाँ से एक्सट्रा आइसो कर्व ले रहा हूँ।
आईडिया से, क्योंकि अगर मैं इसको ऑफसेट कर मारता हूँ तो इसमें दिक्कत आती है। पाइप कमांड रेडियस 0.25 है, ओके। और सी यहाँ से मैं इसको हाइड करता हूँ, यहाँ से इसे लॉक किया, एलडी किया, इसको यहाँ से पकड़ के मैंने सबको हाइड कर दिया। और सी यूएल करके ऐसे किया, और यहाँ पे मुझे एरे पॉलर चलाना है, एरे पॉलर 0, ओके उस पर नहीं है तो सेंटर एरे पॉलर सेंटर, मान लीजिए मुझे ये 20 और 360 इनफ है, ओके। ऐसे सेलेक्ट किया टाइप, ओके एस डी, यहाँ से मैंने इनको हाइड किया, बूलियन यहाँ ये ज़्यादा हो रहा है तो जहाँ ये ज़्यादा है वहाँ से अपन इनको डिलीट कर देते हैं। से यहाँ से बुलियन करता हूँ, बुलियन नहीं हुआ है तो बेबी देश देश फोर्टीन एकेडमी हो गया है। कैप मारा, अब नहीं यहाँ पे नेकेडेज, तो अब करके देखते हैं होता है या नहीं। आई थिंक अब जाना चाहिए बोलिए। आई थिंक इनको सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, एक बार सिंगल सिंगल करके ट्राई कर लेते हैं। ये हो रहा है यहाँ से,
मान लीजिए अगर एक साथ नहीं हो रहा है बुलियन, तो आपको सिंगल सिंगल करके ही बुलियन करना पड़ेगा। तो उससे क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे कौन से सर्फ, कौन सा मेरा ऑब्जेक्ट बुलियन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। देखिए मेरा यहाँ पे सारे हो चुके हैं, तो मैं इनको करके देखता हूँ। ये देखिए मेरे ये भी हो रहे हैं इजीली। देखिए गाइस, आपका ये इसमें बुलियन हो रहा है, ये जिस तरीके से हम इसको कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।